आजादी का दिन है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस आजादी के मौके पर? हमने हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आजाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज मुकाम मिलेगा, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, महासेवा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी, हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया उसको, जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फिल्टर करना मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है, फिर हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए, हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज।